हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु, मैं जितेंद्र, और आज हम बात करने वाले हैं टीपीएस की सेटिंग के बारे में, थ्रोटल पोजीशन सेंसर इसको बोला जाता है। बहुत सारी डिटेलिंग बात करने वाले हैं। अगर आपकी गाड़ी में मिसिंग का प्रॉब्लम या फिर आपकी पिकअप जो है उसमें प्रॉब्लम है, तो थ्रोटल पोजीशन सेंसर का उसमें हाथ हो सकता है, या थ्रोटल पोजीशन सेंसर जो है वो टीपीएस जो है, क्या पता वो फेल हो गया है, खराब हो गया है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है या सेटिंग उसकी प्रॉपर नहीं है। तो सेटिंग कैसे करते हैं वो सारी डिटेलिंग बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो वायर आ रहा है, ये जो वायर है, थ्रोटल में से दो वायर निकलती हैं, जो आगे जाके जॉइंट होके दो वायर निकलती हैं, जो कि एक आता है टीपीएस में और एक आता है कार्बोरेटर में। तो दोस्तों, थ्रोटल पोजीशन सेंसर जो है वो डिटेल देता है आपके थ्रोटल का, आपके एक्सीलेटर का, सीडीआई को, एंड सीडीआई जो है वो इग्निशन सिस्टम को देता है, जिससे कि आपको स्पार्क जो है कितनी स्पीड में कितना मिलना चाहिए, वो सारी डिटेलिंग होती है। तो दोस्तों, अगर इसकी सेटिंग प्रॉपर नहीं हुई, तो जैसा कि मैंने बोला आपको कि मिसिंग का प्रॉब्लम या फिर अनोइंग पिकअप या फिर ऐसा कोई अनोइंग इश्यू होगा जो आपको नॉर्मली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं पता चलेगा, तो ये सेटिंग अगर आप चेक जरूर कर लीजिए अपनी गाड़ी में। सेटिंग जो होती है इसकी बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। ये जो आप तो येल्लो डॉट यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये येल्लो डॉट और ये येल्लो लाइन जो है, इसके पूरा बाहर नहीं होना चाहिए। ये पूरा बाहर येल्लो लाइन जो है पूरी बाहर नहीं होना चाहिए। ये सेटिंग परफेक्ट होती है, तो उस तरह से आप अपनी सेटिंग को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप खींचिए एंड ये जो नट है आप पूरा टाइट करिए यहाँ पर, एंड देन थ्रोटल देके देखिए, वो पूरा येलो लाइन जो है वो बाहर नहीं आने चाहिए। तो अगर आपकी सेटिंग ऐसे है तो मतलब वो परफेक्ट है और वो परफेक्टली वर्क कर रहा है आपका थ्रोटल पोजिशन सेंसर। तो आप इस ये सेटिंग अपनी गाड़ी में बार जरूर चेक करिएगा, अगर आपकी गाड़ी में मिसिंग या फिर अनोइंग सा पिकअप का प्रॉब्लम है। तो आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा सिंपल लगा होगा। अगर ये कई बार फेल भी हो जाते हैं, ठीक है, ये जो थ्रोटल पोजीशन सेंसर है ये प्रॉपरली थ्रोटल का पोजीशन नहीं बता पाता है सीडीआई को, तो इसको एक बार चेंज भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग जो है आपके लिए आती रहेंगी। Bye.